गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर गुड। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर आप ईयरली एग्जाम आई हैव टू टीच यू सम पॉइंट्स ऑफ फ्रैक्शन। आई टोल्ड यू रिवाइज चैप्टर 5 फ्रैक्शन फर्स्ट पेज रिवाइज एंड फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ 5.1 I solved you, okay? I told you that about fraction, what is numerator and denominator, and about parts of a whole, whole के parts के बारे में हमने पढ़ा, okay? Whole के parts, जब हम equal part में किसी भी whole region को divide करते हैं, तो उसको हम जहाँ हर इक्वल पार्ट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन के रूप में हम जब राइट करते हैं उसे हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं, ओके। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ ए कलेक्शन। अभी तक आपने पार्ट्स ऑफ ए होल के बारे में पढ़ा था, होल के पार्ट के बारे में। अब हम पार्ट्स ऑफ ए कलेक्शन पढ़ेंगे, कोई कलेक्शन हो तो उसके पार्ट्स के बारे में। Now look here, page number 78, fractions of a collection. देखिए इसमें क्या है आपका, in a collection of 6 balls, 3 balls are colored. This can be written as 3 by 6. इसमें 6 balls हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। और हमने क्या बताया था आपको, जब हम फ्रैक्शन हमने आपको बताया था तो बताया था नीचे हम कौन सा नंबर ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, कुल पार्ट्स यानी कलेक्शन के कितने पार्ट्स हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, होल टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6। अब हम उसमें से जिस जिस पार्ट्स को मेजर करते हैं हम उसको ऊपर रखते हैं, तो हमने कलर पार्ट्स को मेजर करना, तो 1, 2, 3 को ऊपर ऐड करेंगे, ओके। 3/6 कलर पार्ट को मेजर करके हमें ऐड करना फ्रैक्शन में, तो 3/6 मीन 3 मीन्स कलर पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। जैसे कि यू ट्राई टी, जैसे कि इस बॉक्स में कलर 5/8 पार्ट्स ऑफ द स्क्वायर्स, हमें क्या करना है 5/8 पार्ट को कलर करना है। 8 मीन्स टोटल पार्ट, तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 का कलेक्शन है ये। इसमें से हमें 5 पार्ट को क्या करना है, कलर करना है। दिस मीन्स आप 5 बॉक्स काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस 5 बॉक्स को हम क्या करेंगे, कलर कर लेंगे। ये हमारा हो गया 5/8 पार्ट्स। इसी तरह के आपके ये एग्जांपल भी हैं, 5 टेडी बियर्स हैं जिसमें से 2 कलर हैं, तो कलर पार्ट्स को मेजर करना है, तो 2 अपॉन टोटल 5। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3, फर्स्ट क्वेश्चन इज कलर 1/3 ऑफ 12 बैलून्स। दिस मीन्स एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 में आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कलर 1/3 ऑफ 12 बैलून्स, हाउ मेनी बैलून्स डिड यू कलर। दिस मीन्स आपको यहाँ पे देखिए 12 बैलून्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। कितने बैलून्स हैं आपके, 12 बैलून्स हैं, ओके। अब हमें 12 बैलून्स के 1/3 पार्ट को कलर करना है, दिस मीन्स 12 बैलून्स का आपको 1/3 पार्ट को कलर करना है, ओके। 12 बैलून्स के कितने पार्ट को कलर करना है, 1/3 पार्ट को। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपका जो कलेक्शन है बैलून्स का उसको आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3, 3, ओके, 3 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है। जो 12 बैलून्स है उसका आपको 1/3 पार्ट मीन्स आपको 12 बैलून्स को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप इस 12 बैलून्स को 3 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे, 12 बैलून्स को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 12, 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, तो 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, 3 4 जा
ट्वेल्व फोर, दिस मीन्स हर पार्ट में कितने कितने बैलून आएंगे, फोर, वन टू थ्री फोर, फोर फोर बैलून का आपका क्या हो जाएगा, वन पार्ट। देखिए वन पार्ट हो गया आपका, वन टू थ्री फोर, ये आपका टू पार्ट हो गया दूसरा पार्ट, ओके, और ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, वन टू एंड थ्री, फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड पार्ट है आपका एंड थर्ड, ओके। कितने पार्ट हो गए टोटल, थ्री पार्ट, हमें थ्री इक्वल पार्ट में वन थर्ड पार्ट आपको कलर करना था और ट्वेल्व बैलून्स को हमें थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था। तो थ्री इक्वल पार्ट में कितने कितने बैलून्स आ गए, फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। अब हमें क्या करना है, इस थ्री पार्ट का, अब हमें ट्वेल्व बैलून्स का वन थर्ड पार्ट, इसका वन थर्ड पार्ट कलर करना है। दिस मीन्स आपका जो वन पार्ट है इस थ्री पार्ट का, वन टू थ्री, ये जो टोटल थ्री पार्ट है इनका वन पार्ट आपको क्या करना है, कलर करना है, ओके। तो आप इस फोर बैलून्स को, जो हमारा वन पार्ट है, उसको क्या करेंगे, कलर कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, आपका फोर पार्ट्स को कलर करना है, तो टोटल ट्वेल्व में से कितने बैलून्स को कलर करना है, फोर का बैलून्स, टोटल कितने बैलून्स हुए, ट्वेल्व, और उसमें से हमें कितने बैलून्स को कलर करना है, फोर, ओके, फोर अपान ट्वेल्व। कलर वन अपान टू, हाफ ऑफ टेन एप्पल्स, टेन एप्पल के हमें हाफ पार्ट को कलर करना है। हाउ मेनी एप्पल्स डिड यू कलर, तो आपको बताना है कितने एप्पल्स को कलर करना है। तो यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इस टेन एप्पल को हमें हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम टेन को टू से डिवाइड करेंगे, तो टू फाइव जा टेन, दिस मीन्स आपका हाफ हाफ पार्ट कितने कितने एप्पल्स का बनेगा, फाइव फाइव एप्पल का। ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। और हमें हाफ पार्ट को, इसके फर्स्ट पार्ट को, टू पार्ट है, टू पार्ट के फर्स्ट पार्ट को क्या करना है, कलर करना है। दिस मीन्स फर्स्ट पार्ट में कितने एप्पल्स आएंगे आपके, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव एप्पल्स, ओके। तो यहाँ पर आप क्या राइट करोगे, फाइव एप्पल्स। यहाँ पर आपको केवल बैलून लिखना है, ये ट्वेल्व नहीं राइट करना है, ओके। तो आपको केवल पूछा गया है कि हाउ मेनी बैलून्स, कितने बैलून्स को हमें कलर करना है, तो आप केवल नंबर ऑफ बैलून्स यहाँ राइट करेंगे, फोर, फोर बैलून्स, ओके, फोर बैलून्स को हमें कलर करना है। इसमें फाइव एप्पल्स, क्योंकि हमें हाफ पार्ट को कलर करना था केवल, तो हाफ पार्ट मीन्स टू पार्ट का वन पार्ट, ओके। यहाँ देखिए कलर वन अपान फोर ऑफ एट फ्लावर, एट फ्लावर का हमें वन अपान फोर पार्ट को कलर करना है। दिस मीन्स टोटल कितने पार्ट होने चाहिए, फोर, तो फोर पार्ट होने के लिए हमें एट फ्लावर को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए फोर टू जा एट, टू टू फ्लावर, दिस मीन्स हर पार्ट में कितने फ्लावर्स आएंगे, टू टू फ्लावर का पार्ट बनेगा, वन टू थ्री एंड फोर, ये आपका वन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ये आपका फोर पार्ट हो गया। फ्लावर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, फोर पार्ट, और हर पार्ट में कितने कितने फ्लावर आ गए, टू टू, ओके। अब देखिए वन अपान फोर पार्ट ऑफ एट फ्लावर के वन अपान फोर को आप कलर करना है, दिस मीन्स फोर पार्ट के वन पार्ट को, तो ये आपके फोर पार्ट हुआ, इसके वन पार्ट को आपको क्या करना है, कलर करना है। तो इसको आप कलर कर लेंगे, और हर पार्ट में हाउ मेनी फ्लावर डिड यू कलर, हर पार्ट में कितने फ्लावर्स हैं, टू टू फ्लावर्स, तो आपको टू फ्लावर कलर करने हैं। नेक्स्ट है आपको वन अपान फोर ऑफ ट्वेल्व कार्ड्स, ये ट्वेल्व कार्ड्स हैं, इनको आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, फोर पार्ट में डिवाइड करना है। तो फोर पार्ट में डिवाइड करोगे, कितने कितने काइट आएंगे हर पार्ट में, अब ट्वेल्व को हम फोर से डिवाइड करते हैं, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, दिस मीन्स थ्री थ्री काइट आपके हर पार्ट में आएंगे। ये आपका फोर पार्ट डिवाइड हो गया, वन पार्ट, टू, थ्री एंड फोर। देखिए ट्वेल्व काइट को हमने फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके, फोर पार्ट में हमने बांध दिया इसको। आपको वन पार्ट, इस फोर पार्ट का वन पार्ट को
कलर करना है। आपका वन पार्ट क्या हुआ, ये आपका वन पार्ट हो गया। इस वन पार्ट में कितने काइट हैं आपके, 1 2 3। ओके, सो आपको इन 3 काइट्स को क्या करना है, कलर करना है। तो दिस मीन्स 3/12 आपके 1/4 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट है आपका सेट दी पार्ट्स ऑफ ए कलेक्शन डिस्क्राइब बाय द गिवन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है आपका, 1/2 हाफ। फ्रैक्शन ऑफ ए होल, अगर कोई होल है तो उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। 2 इक्वल पार्ट का 1 पार्ट शेडेड है, इसलिए इसको हमने मेजर किया 1/2। अब ये देखिए, ये 4 पार्ट है, 1 2 3 4। ओके, 4 पार्ट का 2 इक्वल पार्ट क्या है, कलर्ड है। दिस मीन्स ये क्या हो गया, 2/4, 2/4, 2/4 हुआ आपका। ओके, 2/4 मीन्स क्या हो गया बच्चों, देखिए 2/4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम 1/2 भी राइट कर सकते हैं। कैसे, 2 को आप डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। या फिर आप इस तरह से सोच सकते हैं, टोटल का हाफ। टोटल कितने थे, देखिए टोटल कितने पार्ट थे, 4, 4 का हाफ पार्ट, 1/2। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये आपका सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट 1, सेकेंड पार्ट 2, तो फर्स्ट पार्ट को मेजर करना था 1/2। ओके, नेक्स्ट है आपका 1/3। तो 1/3 होल पार्ट का 1/3 पार्ट, 3 पार्ट का 1 पार्ट आपको, जिसमें से आप समझ ही गए होंगे कि हम 1 पार्ट को कलर करना है। अब यहाँ देखिए, तो कलेक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में, 1 2 3। ओके, 1 2 3 ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब इस थर्ड पार्ट का हमें 1 पार्ट को क्या करना है, मेजर करना है। ओके, तो हमें इस थर्ड पार्ट से 1 पार्ट को मेजर करेंगे, दिस मीन्स इसको हम कलर कर देंगे। ओके, ये हम स्टार को, 1 पार्ट स्टार को कलर कर देंगे। हमारा हो गया 1/3, 3 का 1। नाउ नेक्स्ट 1/4 होल इरोजन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, और 4 इक्वल पार्ट का 1 पार्ट हमें मेजर करना है, 1 पार्ट हमको कलर करना है, शेड करना है। ये हो गया आपका होल रीजन का। अब कलेक्शन का, फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन, 1/4 आपको यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4। हर पार्ट में देखिए कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 3 स्क्वायर हैं सब में, और 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो इस 4 पार्ट का आपको 1 पार्ट क्या करना है, 1 पार्ट, दिस मीन्स इस पार्ट को आपको शेडेड करना है, इस पार्ट को आप शेडेड कर दो। ओके, 4 पार्ट, 1 2 3 4, 4 का 1 पार्ट, ये हो गया आपका। सो अकॉर्डिंग टू दिस आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, कंप्लीट हो गया। आप इसको नीट एंड क्लियर अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में आपको राइट करना है। ये आपको सारे बैलून्स एप्पल्स इसी तरह से बनाने, इसी तरह से यहाँ पे राइट करना है। ओके, और आप ये जो कलर करने हैं, या बुक में कलर कर लोगे और कॉपी में कलर करके इसी तरह से राइट करोगे। 5 1 2 3 4 5, ये टोटल आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 5.3। ओके,